जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम स्टोरेज अपग्रेड करने वाले हैं HP Victus 16 गेमिंग लैपटॉप में। तो आपने तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देख ही लिया होगा मेरे चैनल पर। अगर नहीं देखा तो मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या स्पेक्स देखने को मिलता है। तो हमें इस लैपटॉप में राइजन 7 का 5800 CPU देखने को मिलता है, जो कि एक हेक्सा कोर CPU है। इसी के साथ कंबाइन किया गया है 4GB VRAM वाला RTX 3050 Ti GPU। और बात करें इसके डिस्प्ले की, तो हमें इसमें 16 इंच का 144Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप इस लैपटॉप के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो फिर आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, और वीडियो को देखते देखते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए से बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हर रोज लेके आते रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप के बैक पैनल को ओपन करना है, जिसके लिए पहले हम यहाँ पे स्क्रू को ओपन करेंगे। और इस लैपटॉप के बैक पैनल में इन टोटल 8 स्क्रू है, और मोस्ट प्रोबेबली आपके लैपटॉप में भी 8 स्क्रू ही होगा। तो चलिए हम इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो अब बैक पैनल ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट साइड में 2 M.2 SSD स्लॉट है, जिसमें से ऑलरेडी एक में 512 GB का SSD इंस्टॉल्ड है, और दूसरा वाला M.2 SSD स्लॉट एम्प्टी है। और दोनों ही स्लॉट को आप अप टू 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी के साथ आपको डुअल चैनल रैम स्लॉट भी देखने को मिलता है, जो कि अप टू 16 GB तक अपग्रेडेबल है। तो अभी मैं आपको राइट साइड वाला SSD स्लॉट ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, जिसमें कि ऑलरेडी 512 GB का NVMe SSD इंस्टॉल्ड है। तो इसे मैं फिर से लगा देता हूँ, और अब चलते हैं लेफ्ट साइड के स्लॉट में, जिसमें कि हम अभी इंस्टॉल करेंगे अपने नए SSD को। तो इसमें मैं सैमसंग 980 NVMe SSD इंस्टॉल करने वाला हूँ, जो कि 500 GB का है, और इसका प्राइस आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और अब आपको अपने SSD को आराम से इसके स्लॉट में एडजस्ट करना है, और फिर इसे स्क्रू कर देना है। और इस चीज़ को मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इन दोनों वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप इन दोनों वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। पर मैं आपको यहाँ पर छोटा सा वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर आपने इन सब चीज़ों को कभी ट्राई नहीं किया और आपको ट्राई करने में डर लग रहा है, तो फिर आप इसे अपने से ना करें, क्या पता आप अपने लैपटॉप को ख़राब कर दें। इससे अच्छा होगा आप अपने लैपटॉप को इसके नियरेस्ट सर्विस सेंटर में लेके जाएं, जहाँ पर कि आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे अब SSD अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लैपटॉप में कूलिंग के लिए डुअल फैन दिया गया है, और डुअल हीट पाइप भी है, जो कि लैपटॉप को कूल रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। और यहीं पे नीचे के साइड में आपको बड़ा सा ब्लैक कलर का बार दिख रहा होगा, ये इसका बैटरी है, और इस वाले पॉइंट पर इसका CPU और GPU इंस्टॉल्ड है। तो चलिए अब हम इसके बैक पैनल को जल्दी से लगा देते हैं, पर अच्छे से, क्योंकि अगर आप इसे अभी सही से नहीं लगाएंगे तो फिर आगे चल के आपको अपने लैपटॉप में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसलिए कोई भी गलती नहीं करना है, और सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए से बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहता हूँ, और लेके आते भी रहूँगा। और राइट वाली वीडियो को क्लिक करके आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं।